नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां लोजपा जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर राय के अध्यक्षता में जितेंद्र सिंह कुशवाहा एवं विनय चौधरी के लोजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चुने जाने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनोनित लोजपा के दोनों प्रदेश कार्य समिति सदस्य को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए लोजपा जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर राय ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विज्ञापन दिया गया है। इस विज्ञापन के माध्यम से लोक जनशक्ति पार्टी ने यह बताने का कोशिश किया है कि नया बिहार और युवा बिहार बनाने के लिए सभी बिहारी भाइयों बहनों को युवा बिहारी चिराग पासवान के साथ चलना होगा। यही समय है जब बिहार के अस्मिता की लड़ाई सभी बिहारी को एक साथ मिलकर लड़नी होगी, ताकि हम सब बिहारवासी बिहार पर गर्व कर सके। श्री राय ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी सभी जाति धर्म में आस्था रखती है और सभी को हमेशा से साथ लेकर चली है। लोजपा प्रदेश अध्यक्ष सह समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज समस्तीपुर की विकास के लिए अनवरत प्रयासरत हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले सदन में समस्तीपुर की बंद हो चुकी जूट मिल को चालू करवाने के लिए भी प्रयास किए हैं, तथा जूट मिल के प्रबंधक से मिलकर भी जूट मिल को चालू करने से संबंधित बातचीत किया है, जिसका नतीजा यह है कि आने वाले कुछ दिनों में जूट मिल चालू होने की प्रबल संभावना है। साथ ही सांसद प्रिंस राज के अथक प्रयासों के कारण समस्तीपुर जिले में राष्ट्रीय राज्य मार्ग की स्वीकृति मिली है, जो राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या NH 527 रोसड़ा डाक बंगला के निकट से शिवाजी नगर एवं हटौड़ी सड़कों के बीचों बीच होते हुए रोसड़ा प्रखंड के जहांगीरपुर पंचायत बसड़िया बरठा करियन रमौल बलियपुर हथौड़ी घाट के पूर्व करेह नदी में नया पुल के साथ हाया घाट प्रखंड के रामनगर होते हुए दरभंगा NH 1 राष्ट्रीय राज्य मार्ग को जोड़ेगी। मौके पर जिला लोजपा के प्रधान महासचिव नीरज भारद्वाज, विनय चौधरी, जितेंद्र कुशवाहा, रविशंकर सिंह, रीना सहनी, रीता पासवान, राकेश राउत, मुरारी तिवारी, डॉक्टर विनोद सिंह, अरविंद कुमार पासवान, बंटी जायसवाल, रामप्रीत महतो, राजा पासवान, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद मुन्ना, मिथिलेश राय, सुजीत पोद्दार, बिजनाथ कुमार, अर्जुन कुमार, राकेश कुमार, रामचंद्र राय सहित दर्जनों लोजपा पदाधिकारी उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। एटीवी वाले को कोई नहीं बुलाए। दूसरा कि मैं पार्टी का जो कार्यक्रम, जैसे पांचसाल जिला अध्यक्ष रहे कार्यक्रम सब किए, उसी तरह जो पार्टी प्रदेश से जो कार्यक्रम होगा उसको अनुमोदन करते रहे। धन्यवाद जी। काफ़ी दिन हम लोग साथ में काम किए, इनका जो काम करने का तरीका रहा है हम भी इनसे सीखने का कोशिश किए और हमसे भी ये कुछ सीखने का कोशिश किए। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा कार्यकारिणी का विस्तार हो रहा है, ये इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अपने सांसद राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी को, क्योंकि इसी तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन देते रहें ताकि हमारा पार्टी का विस्तार हो। दूसरी बात है कि आज से 4-5 महीना पहले जब हमारे सांसद जीत के गए सांसद, तो सबसे पहले जूट मिल का मुद्दा उठाए, और आज से 3 महीना पहले उन्होंने संसद में ये मुद्दा उठाए और फिर हम लोगों तक जानकारी आई। सबसे पहले तो मैं समस्तीपुर जिला इकाई धन्यवाद देता हूँ, प्रेस मीडिया भाई को धन्यवाद देता हूँ, और मैं अपने समस्तीपुर के सांसद सह लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद श्री प्रिंस राज जी को धन्यवाद देता हूँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमें इस लायक उन्होंने समझा। रही बात, हम लोजपा में खास करके 2014 जितने भी जूट मिल में जो था बीमारी, लोकसभा में पारित करवाकर उस सारे कार्य को निष्पादन करने का काम किए हैं, बल्कि विधिवत रूप से इस बार जो है जूट मिल चालू होने जा रहा है समस्तीपुर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप लोग भी जानते हैं और देश देश भी इस बात को सुने हैं कि
लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद प्रिंस राजी संगठन को विस्तार करते हुए समस्तीपुर के अनुभवी समाजसेवी लोजपा पदाधिकारी जितेंद्र कुशवाहा जी को और दलसिंह सराय के प्रखर समाजसेवी विनय चौधरी जी को संगठन के मजबूती के लिए प्रदेश कार्य समिति में मनोनीत किए। आज समस्तीपुर लोजपा जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर राय जी के नेतृत्व में उनका अभिनंदन समारोह आहूत किया गया। साथ ही कुछ दिन पहले बिहार ही नहीं पूरे भारत में चिराग पासवान जी के द्वारा, जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद हैं, उनके द्वारा बिहार की स्मिता फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी लेकर ऐड दिया गया था। उसके माध्यम से एक संदेश दिया गया कि लोक जनशक्ति पार्टी सभी धर्म सभी जातियों को लेकर और खासकर बिहार के विकास के लिए कृत संकल्प है। आज यह साल चुनावी वर्ष है और उन्होंने बिहार वासियों को आह्वान किए कि आप बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार वासियों के अधिकार के लिए लोक जनशक्ति पार्टी की जब स्थापना हुई उसी समय से वो अंतिम पंक्ति के विकास के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी निरंतर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किए। आज समस्तीपुर के सांसद भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए कुछ दिन पहले सदन में समस्तीपुर के उद्योग धंधा जो जींस अवस्था में थी जूट मिल, उसके लिए बहुत मजबूती के साथ सदन में रखें। उनके जूट मिल के जो प्रबंधक हैं उनसे निरंतर प्रिंस राजी संपर्क में हैं, जिसका नतीजा हुआ कि कुछ दिन में ही जूट मिल खुलने वाली है। अभी हाल फिलहाल में रोसड़ा के सुदूर क्षेत्र दरभंगा से NH जोड़ने के काम प्रिंस राजी के अथक प्रयास से हुआ। इन्हीं सब लोगों के लेकर हम लोक जनशक्ति पार्टी समस्तीपुर के पदाधिकारीगण लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोजपा लोगों के बीच में ये कर रहे हैं कि लोजपा जो कहती है वह करती है और निरंतर जनताओं के बीच में रहकर अभी कोरोना जैसे वायरस जो महामारी है उसमें भी लोजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर मास्क और सैनिटाइज का वितरण कराकर और लोगों में जागरूक करके अधिक से अधिक संख्या में कोरोना जाँच हो, इसका भी जग जागरण अभियान किया।